हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम की जो बहुत ही कॉमन है, ख़ास तौर से शहरी पॉपुलेशन में। मेरा कमर का दर्द जाता ही नहीं है, मेरे काफ मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मेरे बाल बहुत गिरते हैं, मेरा मूड ठीक नहीं रहता है, मैं थकावट महसूस करता हूँ, टायर्डनेस रहती है। तो ये जो सारे लक्षण हैं दोस्तों, ये हैं विटामिन D3 डेफिशेंसी के। अब क्योंकि 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस डे होता है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि विटामिन D3 और ऑस्टियोपोरोसिस का एक सीधा सीधा संबंध है। तो आइए दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि विटामिन D3 और ऑस्टियोपोरोसिस का क्या संबंध है। तो पहले हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो बोन्स की डेंसिटी है उसका कम हो जाना, यानी कि बोन्स का पोरस हो जाना, खोखला हो जाना। तो बोन्स उतने फ्रेजाइल हो जाते हैं कि वो आसानी से टूट जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। कैल्शियम जो है बोन्स का मेन कंटेंट है, तो अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो हम कैल्शियम खा के कैल्शियम का लेवल पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सरल नहीं है। दोस्तों, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर में विटामिन D3 का एक नॉर्मल मात्रा पर होना बहुत ज़रूरी है, तभी कैल्शियम हमारी आंतों में एब्जॉर्ब हो सकता है। अदरवाइज़ वो बिना पचे सीधे सीधे हमारे पेट से निकल जाता है। अगर विटामिन D3 का लेवल ठीक है तो कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है और वो हड्डियों की तरफ चला जाता है। इसलिए आप जितना भी कैल्शियम खा लें, आप जितना भी दूध पी लें, अगर विटामिन D3 का लेवल कम है तो आपकी कैल्शियम की मात्रा शरीर में पूरे होने के चांसेस कम है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए विटामिन D3 का रोल बहुत बड़ा है। बट विटामिन D3 आता कहाँ से? विटामिन D3 हमें मिलता है सनलाइट से। जैसे ही सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ती है तो स्किन के अंदर विटामिन D3 का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा दोस्तों, ये हड्डियों को मजबूत करने या कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के ही काम में नहीं आता है। विटामिन D3 का दूसरा काम ये भी है कि हमें कुछ तरह के कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। ये हमारे किडनी फंक्शंस को भी मेंटेन करके रखता है, बालों को गिरने से रोकता है, और दोस्तों जो आपका मूड है उसको भी अच्छा रखता है। यानी कि मूड स्विंग्स या मूड्स का बार बार चेंज होना, उसको भी ये कंट्रोल रखता है। एक्चुअली विटामिन D दो तरह का होता है, एक विटामिन D2, एक विटामिन D3। विटामिन D2 को हम कहते हैं एर्गो कैल्सिफेरोल, जो प्लांट बेस से आता है, और विटामिन D3 को हम कहते हैं कॉली कैल्सिफेरोल, जो हमें एनिमल बेस से आता है। लेकिन विटामिन D3 को ज़्यादा बेहतर माना गया है। पर दोस्तों, विटामिन D को बढ़ाया कैसे जा सकता है? हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें कि विटामिन D का लेवल हमारे शरीर में सही रहे? तो सबसे ज़रूरी तो दोस्तों ये है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में जाना पड़ेगा, सनलाइट में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आपका विटामिन D का लेवल अप होगा। दूसरा, आप अपने खाने में सी फूड्स का इस्तेमाल अगर शुरू करें, क्योंकि सी फूड्स में विटामिन D का लेवल ज़्यादा होता है, तो आप फैटी फिश खा सकते हैं या दूसरे सी फूड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मशरूम्स आप खाइए, मशरूम्स में विटामिन D के कंटेंट्स पाए जाते हैं, और आप एग योक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर ये भी सब कुछ नहीं है तो आप विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें वो आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस लेना होगा, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेड डोज होती है। जनरली विटामिन D3 डॉक्टर जो है वो 6 से 8 हफ्ते तक खिलाते हैं, हफ्ते में एक दिन की डोज होती है, कुछ डिपोर्ट इंजेक्शंस भी होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका डॉक्टर चूज़ कर सकता है कि आपको कितनी डोज की ज़रूरत है और कितने दिन तक आपको विटामिन D खाना है। लेकिन विटामिन D आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा रहने का तरीका, हम शहरों में रहते हैं, हमें धूप मिलती नहीं है, हम घर में सारा दिन होते हैं तो धूप नहीं मिलती, हम ऑफिस में रहते हैं तो हमें धूप नहीं मिलती, और इसी कारण हमें विटामिन D3 का डिफिशेंसी हो जाता है और हम ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, और उसके अलावा हमें ये सारी बीमारियां या दूसरे लक्षण डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, सो दैट आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।